रोका। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। पीएम मोदी ने मुंबई में नेता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर का किया उद्घाटन। उद्घाटन के लिए नेता अंबानी को दी बधाई। पीएम ने सीबीआई से कहा कोई भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए, जिन पर एक्शन ले रहे हैं वे बेहद ताकतवर, पर काम से फोकस ना हटे। पीएम मोदी को केजरीवाल की चिट्ठी, कहा बुजुर्गों को रेल किराए में छूट दे, बात नियत की है, सरकार गरीब नहीं हो जाएगी। नवजोत सिद्धू सिक्योरिटी घटाने पर भड़के, बोले मेरे साथ मूसेवाला जैसा सलूक हो रहा है, बुलेट प्रूफ गाड़ी वापस ली, 13 गनमैन रह गए हैं। देवगौड़ा की बहू हासर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने पर अड़ी, बेटे ने पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा पर छोड़ा फैसला। बंगाल में यूपी के बुलडोजर पर दाव लगाएगी बीजेपी, पार्टी का हिंदुओं के साथ खड़े होने का दावा। स्टालिन के मंच पर दिल्ली में जुट विपक्षी दलों के नेता, सामाजिक न्याय पर सम्मेलन में किया सकती प्रदर्शन। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका, विधायक गोपाल कृष्ण ने थामा कांग्रेस का दामन। मंडाविया का खड़गे पर पलटवार, बोले एनएलईएम के तहत आने वाली दवाओं के दाम घटे, सालाना 3500 करोड़ की बचत। हिंसा पीड़ितों से मुलाकात के बाद ममता पर शुभेंदु अधिकारी का तंज, बोले ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है, एनआईए जांचो। ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा हमला, 5 स्टार होटल में ठहरे, दंगा भड़काया और फिर करते हैं मीटिंग। कर्नाटक के भवानी की चुनौती पर बोले कुमार स्वामी, पार्टी में किसी भी विद्रोह का मनोरंजन नहीं करेंगे। इंदौर के बेलेश्वर महादेव मंदिर का हटाया अतिक्रमण, नगर निगम ने 3 और धार्मिक स्थलों पर की कार्रवाई, हाईकोर्ट पहुंचा 36 मौतों का मामला। हरियाणा में कोरोना ने बढ़ाई चिंता, शादी समारोह समेत 100 से ज्यादा भीड़ वाले कार्यक्रम में मास्क जरूरी, स्वास्थ्य मंत्री विज बोले सख्ती करें। बंगाल के हुगली में फिर हिंसा, पथराव के बाद रिश्रा रेलवे स्टेशन बंद, हावड़ा बर्धमान रूट पर ट्रेनों का संचालन रोका गया। यूपी भाजपा का बड़ा फैसला, बीजेपी ने एएमयू के वीसी तारिक मंसूर और नृपेंद्र मिश्र के बेटे समेत 6 लोगों को बनाया एमएलसी। दागे उम्मीदवार को टिकट नहीं देगी सपा, निकाय चुनाव बरेली प्रभारी बोले जिसकी छवि खराब उससे कोई वास्ता नहीं। हंसराज विश्वकर्मा भाजपा से एमएलसी मनोनीत, भाजपा की सूची में शामिल बनारस के जिलाध्यक्ष के नाम पर राज्यपाल ने लगाई मुहर। भाजपा से गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी निषाद, पार्टी मंत्री डॉक्टर संजय निषाद बोले जल्द सीएम और प्रदेश अध्यक्ष के सामने रखेंगे बात।
निकाय चुनाव के बहाने यूपी में जनाधार बढ़ाने की कोशिश में जदयू, 9 अप्रैल को बैठक में होगा मंथन। केरल में ट्रेन में आग लगाने वाला यूपी से अरेस्ट एटीएस ने शाहरुख को बुलंदशहर से पकड़ा, केमिकल से लगाई थी आग। प्रमुख सचिव का डाटा हैक करने वाला छात्र फरार, अधिकारी से मांगे थे 80 लाख, परीक्षा देने के लिए था पैरोल पर। राकेश टिकैत का भाजपा परिवार बोले बीजेपी का फंडा, पार्टी ज्वाइन करो या जेल जाओ, पीएम को अपनी पढ़ाई सार्वजनिक करनी चाहिए। सीतापुर में टुकड़ों में मिली युवक की सिरकटी लाश, पहचान मिटाने के लिए एक हाथ काटे गए पंजे, हरियाणा के बोरे में था शव। नोएडा में ओमिक्रॉन का XBB.1 सब वेरियंट का सबसे ज्यादा एक्टिव जीनोम सिक्वेंसी की रिपोर्ट से खुलासा। गोरखपुर में इलाज के नाम पर चोरी, पहले कराया मां का इलाज, फिर हॉस्पिटल में ही चोरी की, फिर सिर गंजा कर क्लीन सेव हो गया। यूपी में 18 दिन में 705% बड़े कोरोना के केस, एनसीआर के बाद अब अन्य जिलों में भी कोरोना ब्लास्ट, ललितपुर में एक ही दिन में 20 संक्रमित मिले। गाजीपुर में घटिया निर्माण को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश, सड़कों के निर्माण में अनियमितता का लगाया आरोप। पीलीभीत में सांड ने किसान को पटक कर मार डाला, पत्नी के साथ गांव के बाहर खेत कर घास काटने गया था, परिवार में मचा कोहराम। मासूम बच्चे के हत्यारों का पुलिस को मिला रिमांड, 2 दिन रिमांड पर रखकर मासूम केनन के शव को बरामद करने का प्रयास करेगी पुलिस। हरदोई में सड़क हादसे में एक की मौत, दूसरा घायल, लखनऊ रेफर, दावत खाकर लौट रहे थे दोनों। लखनऊ में 2 जगहों पर 2 लोगों ने दी जान, घरेलू कलह के चलते चिनहट में युवक और रहीमाबाद में महिला ने लगाई फांसी। राहुल गांधी की सदस्यता मुद्दे पर कांग्रेस का प्रदर्शन, अयोध्या जिलाध्यक्ष बोले हर कार्यकर्ता अपने नेता के साथ सरकार विरोधी नारे लगाएं। दवा व्यवसाय ने सरकारी स्कूल की बदली तस्वीर, सुल्तानपुर में लाखों खर्च कर बनवाया स्मार्ट क्लासरूम, कैंपस को जगमगाया। शतरतोड़ गैंग के बदमाश ने पुलिस पर झोंका फायर, मुठभेड़ में आरोपी के पैर में लगी गोली, आरोपी घबराकर बाइक लेकर जंगल में भागा। बीबीएयू में बवाल करने वाले छात्र चयनित कमेटी की जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषी छात्राओं पर होगी कार्यवाही। उन्नाव में शिक्षक के घर का ताला तोड़कर चोरी, नकदी व जेवर लेकर हुए फरार, परिवार संग गए थे प्रत्येक गांव। उन्नाव में हाईवे पर ट्रक और डंपर के भिड़ंत, चालक की उपचार के दौरान मौत, खलासी का चल रहा इलाज। फतेहपुर में दीवार गिरने से बुजुर्ग की मौत, एक युवक गंभीर रूप से घायल, रात में खाना खाकर दोनों बात कर रहे थे। हमीरपुर में पुलिस व बदमाश के बीच मुठभेड़, 25,000 के इनामी को पैर में लगी गोली, चोरी व लूट डकैती के आरोप में था वांछित।
पालनगरी में दूधमोही को छोड़कर भागे दंपत्ति, बच्ची के रोने की आवाज सुनकर उसे स्टाफ ने अपनी देखरेख में लिया। सैफे में युवक ने गोली मारकर की खुदकुशी, SC ST का फर्जी मुकदमा लिखे जाने से परेशान था, न्यायालय में आज तारीख थी। ग्रेटर नोएडा में घर में मृत महिला बुजुर्ग मिली, 4 महीने से बेटा बहू से नहीं हुई थी बातचीत, शव में लग गए थे कीड़े। सरकारी भांग की दुकानों पर खुलेआम बिक रहा है गांजा, गांजे के बिक्री का वीडियो वायरल, SP ने जांच के बाद कार्रवाई का किया दावा। गाजीपुर के किशोर का अवैध असलहे के साथ फोटो वायरल, पुलिस की टीम ने तमंचे के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय 2794 शिक्षार्थियों को मिली डिग्री, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑनलाइन की शिरकत। सीएम धामी ने दिल्ली में पीएम मोदी से की मुलाकात, जोशीमठ के लिए मांगा 2943 करोड़ का पैकेज। पुलिस ने शुरू की UTM सॉफ्टवेयर से ड्रोन की निगरानी, 1 महीने ट्रायल देखी जाएगी सारी खामियां। यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में निवेशक सम्मेलन की तैयारी में जुटी सरकार, अक्टूबर नवंबर में होगा आयोजन। पूर्वी लद्दाख में स्पेशल मिशन के दौरान शहीद हुआ उत्तराखंड का लाल टीकम सिंह नेगी, परिवार में मचा कोहराम। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को दे निर्देश, राजीव भरतरी को मंगलवार को दे PCCF पद पर चार्ज। उत्तराखंड में बढ़ रहा कोरोना, 3 माह बाद बड़ी संख्या में मिले संक्रमित, 1 महिला की मौत। सीनियर IFS राजीव भरतरी को राहत, हाईकोर्ट ने सरकार को दिए तत्काल PCCF हेड का चार्ज देने के आदेश। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक बदला मौसम, ऊंची चोटियों पर बर्फबारी, निचले इलाकों में छाए बादल। उत्तराखंड में पछवादून को यूपी से जोड़ने वाला दर्रारेट बॉर्डर पर 1 महीने के लिए बंद, DM ने जारी किया आदेश। उत्तराखंड में हल्द्वानी में हिंदू संगठन कार्यकर्ता ने सिटी मजिस्ट्रेट के सामने इमाम को जड़ा थप्पड़, हुआ बवाल, 40 पर कार्रवाई। चारधाम यात्रा में सख्ती से लागू होगी कोविड गाइडलाइन, जांच और टीकाकरण में तेजी लाने के निर्देश। उत्तराखंड में लीपुलेख मार्ग पर दरकी चट्टान, सेना का ट्रक दबा, चालक लापता, चीन सीमा से संपर्क कटा। कनाडा निवासी महिला का हिंदू रीति रिवाज से हुआ अंतिम संस्कार, ऋषिकेश में महिला मित्र ने दी मुखाग्नि। उत्तराखंड के हल्द्वानी में मस्जिद से कोतवाली व हाईवे, देर रात 5.5 घंटे तक चला हंगामा, 10 मिनट में छट गई भीड़। महिलाओं को रमजान में गाने ही चलाने पर सजा, तालिबान ने रेडियो स्टेशन बंद करवाया, कहा ये इस्लाम के कानूनों के खिलाफ है।
ट्रंप पर मुकदमे के पीछे अरबपति सोरोस, उन पर अमेरिकी जज को 8 करोड़ देने का आरोप, मोदी को अलोकतांत्रिक कह चुके हैं। फिनलैंड में प्रधानमंत्री सना मैरिन की पार्टी हारी, दक्षिणपंथी पेटरी ओरपे बनेंगे अगले प्रधानमंत्री, जीतने के बाद बोले पुतिन यूक्रेन से बाहर निकलो। प्लेबॉय मैगजीन के कवर पर दिखी फ्रांस की मंत्री गे और महिलाओं के अधिकारों पर 12 पेज का इंटरव्यू दिया प्रधानमंत्री, बोली ये गलत हरकत। जापान के स्कूल में भेदभाव, जापानी स्टाइल में बाल नहीं कटवाए तो स्टूडेंट को अलग बैठाए, डिग्री देने से बेइनकार। इमरान खान का बड़ा बयान, बोले ऐतिहासिक मोड़ पर पाकिस्तान, हमारे पास ही दो ही विकल्प, तुर्की बनना या म्यांमार। ब्रिटेन के पीएम सुनक ने की ग्रूमिंग गैंग्स टॉक्स फोर्स की घोषणा, कहा महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि, करेंगे सख्त कार्रवाई। पाकिस्तान के मंत्री मोसादिक मलिक का दावा, अगले महीने रूस से आएगा सस्ता तेल, गरीब और अमीर के लिए होंगे अलग अलग दाम। मलेशिया में अनिवार्य सजाए मौत पर लग सकती है रोक, संसद ने कानूनी सुधारों को दी मंजूरी। भारत अमेरिका की वायुसेनाएं करेंगी युद्धाभ्यास, 10 अप्रैल से यहां गरजेंगे इंडियन एयरफोर्स के रूसी लड़ाकू विमान। ट्विटर ब्लू टिक के लिए पेमेंट नहीं करेगा व्हाइट हाउस, अमेरिकी मीडिया संस्थानों ने भी इनकार किया, कर्मचारियों को खुद पेमेंट करना होगा। पांच स्मार्टफोन की कीमत हुई कम, 28,000 की छूट के साथ मिल रहा शाओमी 12 प्रो, वन प्लस 10R की कीमत 7,000 घटी। नोकिया का सस्ता स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, नोकिया C12 प्लस में 6.3 इंच HD प्लस डिस्प्ले के साथ मिलेगी 4000 mAh की बैटरी। आईपीएल के पहले हफ्ते में जियो को मिलेगी ब्लॉकबस्टर ओपनिंग, 147 करोड़ की वीडियो व्यूज और 5 करोड़ ऐप डाउनलोड। अलग हुए स्पाइस जेट और स्पाइस एक्सप्रेस की कार्गो, बिजनेस की ग्रोथ के साथ बेहतर सर्विस मिलेगी, शेयर में 3% से ज्यादा की तेजी। इजराइल के पूर्व राजदूत बने हाइफा पोर्ट के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, अडानी ग्रुप के पास इजराइल के पोर्ट की 70% हिस्सेदारी। पात्राचाल मामले में 52 बंधुओं की 31.50 करोड़ रुपए की 2 अचल संपत्तियां जब्त, ईडी ने की कार्यवाही। मार्च में विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधियां 3 महीने के उच्चतम स्तर पर, पीएमआई इंडेक्स 56.4 पर पहुंचा। दुनिया के सबसे बड़ी फास्ट फूड श्रृंखला मैकडॉनल्ड्स में छठी अमेरिकी के दफ्तर अस्थायी रूप से बंद। मस्क ने ट्विटर का लोगो बदला, चिड़िया की जगह डॉग का फोटो लगाए, यूजर्स से बोला वादा पूरा किया। जयसूर्या ने पोस्ट की 27 साल पुरानी ऑडियो की फोटो, लिखा गोल्डन मेमोरी 1996 वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द सीरीज बनने पर मिली थी। अंपायर ने न्यू बॉल दी, खिलाड़ियों ने चाकू मारे, ओडिशा में फ्रेंडली मैच के दौरान हत्याचार आरोपी गिरफ्तार।
आईपीएल 2023 के पहला मैच हारने वाली केकेआर को लगा बड़ा झटका, पूरे टूर्नामेंट से बाहर हुए शाकिब अल हसन। गायकवाड़ और कांबे का बड़ा कमाल, सीएसके के लिए सबसे ज्यादा बार शतकीय ओपनिंग साझेदारी करने का बनाया रिकॉर्ड। संजू सैमसन ने हैदराबाद के खिलाफ खेली तूफानी पारी, फैंस बोले उन्हें टीम से बाहर कैसे रख सकते हैं। चेन्नई में दिखा धोनी का आक्रामक अंदाज, लगातार दो छक्के लगाकर हासिल किया खास कीर्तिमान। पाकिस्तान के बॉलर उसामा मीर पर चढ़ा बैटिंग का खुमार, लोकल टूर्नामेंट में एक ओवर में 34 रन जड़े। रोहित शर्मा के नाम दर्ज हुआ अनचाहा रिकॉर्ड, कप्तान के तौर पर आईपीएल में सबसे खराब स्ट्राइक रेट। चेन्नई ने लखनऊ को 12 रन से हराई, मोइन अली ने चटकाए 4 विकेट, गायकवाड़ कांबे की शतकीय साझेदारी। धोनी ने सीएसके बॉलर से कहा वाइड नो बॉल मत फेंको, ये मेरी चेतावनी है, वरना नए कप्तान के साथ खेलने को तैयार रहना। नवाजुद्दीन के बच्चों की कस्टडी फिलहाल एक्स वाइफ को मिली, 45 दिन बाद फिर सुनवाई, कोर्ट ने दोनों को समझौते की सलाह दी। मलाइका ने किया चक्की चलनासन, कंधे पर चोट के बाद में मिस ने नहीं किया योग सेशन, हाथों में गुलाब लेकर योगा सेंटर के बाहर हुई स्पॉट। पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने साधा जस्टिन बीबर पर निशाना, आयशा उमर बोली हमें इनका नॉलेज बढ़ाना चाहिए। नेहा शर्मा ने बहन आयशा के साथ किया वर्कआउट, जिम के बाहर स्पॉट हुई दोनों बहनें, कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए दी पोज। जानवी ने के तिरुपति बालाजी मंदिर के दर्शन, बहन खुशी और रूमर बॉयफ्रेंड शिखर भी रहे मौजूद, ट्रेडिशनल लुक में दिखी बेहद खूबसूरत। मुंबई एयरपोर्ट पर कैजुअल लुक में नजर आई मंदिरा बेदी, हाथ हिलाकर कैमरे की तरफ दिए पोज, पीठ पर बना नया टैटू दिखा है। प्रियंका के बाद बॉलीवुड पॉलिटिक्स पर खुलकर बोले विवेक ओबराय, कहा ये बॉलीवुड डार्क साइड है, शुक्र है मैं इससे उभर पाया। एक साल के हुए भारतीय हर्ष के बेटे गोला कपल ने बर्थडे पर शेयर की खास तस्वीरें, बोले तुम बिल्कुल हमारी तरह बनना। शाहरुख खान ने किया ले गई पर डांस, अंबानी की आफ्टर पार्टी में किया डांस रिहर्सल, फैंस बोले राहुल वापस आ गया है। सीटाडेल के प्रमोशन के दौरान प्रियंका चोपड़ा का खुलासा, बोली मैं उन लोगों के संग काम नहीं कर सकती जिन्हें पसंद नहीं करती। आज के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।